युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 9 दिसंबर 2019 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास पक्ष चल रहा है और आज द्वार दशी सुबह 9:54 तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लग सकती है। आज अभी मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:23 से लेकर 9:40 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य करने से आप सभी लोग परेशान हैं। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि का आज का राशिफल। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप अपनी उम्मीद से ज्यादा धन कमा पाने में आज सफल होंगे और विशेष तौर पर व्यापारियों को अपने व्यापार में अधिक कस्टमर मिलेंगे जिनसे आज उनका मुनाफा भी अधिक होने वाला है। आज आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आज आप समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और आज यदि आप किसी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। परंतु अपने गृहस्थ जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के साथ ही आपकी अपनी लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है और आज आपकी ही गलती की वजह से वो बात ज्यादा बढ़ सकती है जिससे आपके संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है। आज आपका स्वास्थ्य तो सामान्य रहेगा परंतु आपकी मानसिक चिंताएं अधिक रहने वाली, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप मेडिटेशन का सहारा लें, इससे आपका मन शांत और एकाग्र चित हो पाएगा। कन्या राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने सपनों का मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही
करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप शनि भगवान की वक्र दृष्टि के कारण जेल जाने की आपकी नौबत आ गई है और आपको किसी मामले में जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है, तो ये उपाय करने से या तो आपकी जेल की सजा पूर्णतः माफ कर दी जाएगी या बहुत ही कम रह जाएगी। ये उपाय करने के लिए आपको हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ाना चाहिए तथा एक मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूं उसे पढ़ते हुए शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल अपने वजन के हिसाब से चढ़ाना चाहिए। जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतंगता बद्धो मुच्चेत बंधनात् भविष्यति न संचयः। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतंगता बद्धो मुच्चेत बंधनात् भविष्यति न संचयः। यह उपाय यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ महसूस होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूं। मैं लगभग 1 महीने पहले यहां गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल 0 रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया। और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत जगह हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधारण निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।